Hi guys, welcome to my channel. If you are new to this channel, my name is Avni और मैं आज आपको college tour दूंगी. So I got so many messages and comments कि हमें college tour दो, हमें college देखना है कैसा college होता है और time table कैसा रहता है बच्चों का, कहाँ पे classes लगती है. तो आज मैं आपको वही सब दिखाऊंगी. और अभी तो मैं अपने घर के बाहर हूँ, तो मैं अभी निकल रही हूँ college के लिए. तो थोड़ी देर में मैं कॉलेज पहुंच जाऊंगी. और आज बहुत अच्छा सनी डे हो रहा है यहाँ पे, दो तीन दिन से बहुत अच्छी धूप निकल रही है. तो मैंने सोचा कि आज ही चलते हैं कॉलेज और आज आपको देती हूँ कॉलेज टूर में. तो लेट्स गो. सामने ही लुअस स्टेशन है. अगर आप लोग लुअस से आ रहे हो तो आप लोग यहीं पे सामने उतारेगी लुअस आपको. और सामने AI भी है, तो अगर आप लोग बैंक ओपन कराने का सोच रहे हो तो आप सामने ही आप ओपन करवा सकते हो. तो ये हमारी मेन बिल्डिंग. स्पेंसर डॉग वाली बिल्डिंग भी है जहाँ पे हमारी लाइब्रेरी है, तो मैं आपको वहाँ पे भी लेके चलूँगी. तो अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग अंदर चलते हैं. मैं भी काफ़ी टाइम बाद आ रही हूँ कॉलेज. रिसेप्शन कुछ ना कुछ इवेंट्स चलते रहते हैं कॉलेज में. तो अभी मैं आपको पहले स्टूडेंट यूनियन लेके चलती हूँ. तो स्टूडेंट यूनियन में आप लोग वहाँ पे बैठ के चिल कर सकते हो, अपना गेम्स वगैरह होता है. अगर आपका ब्रेक है तो आप वहाँ पे जाके बैठ सकते हो. तो बेसमेंट में हमारा स्टूडेंट यूनियन. तो हम लोग जब भी हमारा ब्रेक होता था, हम कभी कभार यहाँ पे आ जाते थे. लॉकर्स हैं अगर आपको कुछ अपना सामान वगैरह रखना होता है तो. अगर आप अपना लंच लेके आ रहे हो घर से और आपको गर्म करना है तो आप अपना यहाँ पे माइक्रोवेव यहाँ पे अपना गर्म कर सकते हो. तो काफ़ी लोगों के मेरे पास क्वेरीज आ रही थी कि हम लोग अपना एप्लीकेशन कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें, कॉलेज के लिए कैसे अप्लाई करें. तो वो सब मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगी कि आप अपना एप्लीकेशन कैसे स्टार्ट कर सकते हो आयरलैंड आने के लिए. काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है बट इवेंचुअली हो जाता है. और वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई करें, कैसे गाइडेंस लें, क्या कॉलेज कैसे आपके लिए बेस्ट रहेगा, कौन सा कॉलेज, तो वो सब मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगी. और जो मुझे आप लोगों से डिटेल में बात करनी थी वो ये थी कि काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे पास क्वेरीज आ रही हैं रिलेटेड टू एप्लीकेशन प्रोसेस. तो वो लोग काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ कौन से बेस्ट हैं आयरलैंड में उनके कोर्स के हिसाब से. तो जब मैं अपने टाइम पर सर्च कर रही थी तो मैंने भी काफ़ी फेस की है ये प्रॉब्लम. और मैं भी बहुत रिसर्च किया कि कौन सा कॉलेज और यूनिवर्सिटी मेरे कोर्स के हिसाब से अच्छा है, बेस्ट है. तो मैं भी ऐसे ही करती थी कि मैं कॉलेज की वेबसाइट पर जाती थी और फिर मैं कोर्स मटेरियल चेक करती थी कि अब मेरी प्रोफाइल से कौन सा मैच कर रहा है. तो उस टाइम पे मैं ये सोच रही थी कि मुझे कोई एक एक्सपीरियंस या एक प्रोफेशनल गाइडेंस मिली होती तो वो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता ये चीज़. इस टाइम काफ़ी स्टूडेंट्स आयरलैंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो काफ़ी कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है हर इनटेक के साथ. तो आपका एप्लीकेशन सेलेक्ट होना किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में तो वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया है. तो ये एक मेन इश्यूज स्टूडेंट फेस कर रहे हैं.
एंड वेल रिसेंटली ऐसा ही मुझे एक IIT बॉम्बे एलुमनाई लेड स्टार्टअप मिला है जो कि सेम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है स्टूडेंट्स की, जो कि है यूनिफ्लेक स्टडी अब्रॉड कम्युनिटी। यूनिफ्लेक इज़ अ स्टूडेंट प्रोफेशनल कम्युनिटी जो कि UK एंड आयरलैंड के स्टडी अब्रॉड एस्पिरेंट्स को हेल्प करता है बाय फोकसिंग ऑन देयर प्रोफाइल बिल्डिंग एंड एप्लीकेशन अंडर द गाइडेंस ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। इसका मतलब वो आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्शन से लेके SOP, LOR, एप्लीकेशन असिस्टेंस एंड इवन लोन्स एंड अकोमोडेशन के साथ कंप्लीट एंड टू एंड सपोर्ट करते हैं। एंड व्हाट सेट्स यूनिफ्लेक अपार्ट इज़ दैट कि वो UK एंड आयरलैंड के सारे यूनिवर्सिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे कि आपको फेयर गाइडेंस मिलेगी एंड आपके हाई चांसेस हो जाएंगे बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में सिलेक्शन होने के। इनका बेस्ट पार्ट ये है कि एज दे आर स्टूडेंट लेड कम्युनिटी, तो जो गाइडेंस आपको एंड टू एंड फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, बस आपको एक रिफंडेबल डिपॉजिट पे करना होता है जो कि है 799 रुपीज़। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं तो उसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि आपको सिर्फ डिपॉजिट करना होगा 499 रुपीज़ का। वो भी आप अब एक बार ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेते हो तो वो भी आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा, जिसमें कि आपके सारे जर्नी के स्टेप बाय स्टेप आपकी हेल्प की जाएगी हर स्टेप में। ऑल्सो फॉर स्टार्टर्स आप 1-to-1 फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन बुक कर सकते हो सिंपली बाय सेंडिंग DM AVN300 ऑन द व्हाट्सएप चैट। सो अगर आप सीरियसली UK और आयरलैंड में एजुकेशन के बारे में सोच रहे हो, सो बिलीव मी यूनिफ्लेक इज़ द प्लेस वेयर यू शुड स्टार्ट योर जर्नी। सो गो एंड क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू यूज़ माई कूपन कोड टू गेट अ फ्री गाइडेंस बाय यूनिफ्लेक स्टडी अब्रॉड कम्युनिटी। एंड ऑल्सो मैं आपको सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। बस आपको सिंपली अगर आपको एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है तो आपको सिंपली उनके व्हाट्सएप नंबर पे या लिंक पे आपको सिर्फ मेरा कूपन कोड यूज़ करना है, और अब वो लोग आपको डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे या फिर आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो जस्ट DM ऑन माई इंस्टाग्राम विच इज़ मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और आपको कोई भी क्वेरी होगी वो लोग सॉल्व कर देंगे। तो आपको ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यही एक मेन इशू था जो कि स्टूडेंट फेस कर रहे हैं, और वो लोग मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि कैसे स्टार्ट करें। तो आप यूनिफ्लिक से हेल्प ले सकते हो, वो आपको अच्छे से सर्विस प्रोवाइड करेंगे और वो ट्रस्ट वर्दी भी हैं, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो कॉन्टेक्ट दैम एंड इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेरीज सो डू लेट मी नो एंड कम कॉमेंट डाउन बिलो ऑल्सो। ये यहाँ पे हमारा जिम भी है कॉलेज में, SV फिटनेस, तो कॉलेज के पीछे ही है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वो स्टूडेंट्स के लिए फ्री रहता है, और ये सिटिंग एरिया है, अगर आपको बैठना है तो बैठ सकते हो आप लोग। और जिम का स्टूडेंट्स के लिए फ्री रहता है। तो ये है हमारा कैफेटेरिया कॉलेज का, तो हम लोग ज़्यादा टाइम यहीं पे रहते थे, खाने के लिए आते थे। यहाँ पे कॉफ़ी बहुत अच्छी मिलती है, अगर आपको ट्राई करना है तो कॉफ़ी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ कुकीज़ भी है, और मुझे कॉलेज की कॉफ़ी बहुत पसंद है, अगर आपको चाहिए तो आप ट्राई कर सकते हो, आपको भी पसंद आएगी। तो मैं आपको फर्स्ट फ्लोर लेके चलती हूँ, अभी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है नए सेशन की, तो मैं आपको ज़्यादा दिखा नहीं सकती कॉलेज का, बट मैं आपको फर्स्ट फ्लोर तक लेके चलती हूँ। तो वहाँ पे भी क्लासरूम्स हैं और यहाँ पे भी क्लासरूम्स हैं। तो अभी एक प्रिंटर रूम है, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। तो यहाँ से आप प्रिंट करा सकते हो, आपको जो भी कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिंट कराना है। तो हमें देख रहे हो कोई क्लास रूम खाली हो तो मैं आपको दिखा पाऊँ। तो एक क्लास रूम है जिसमें क्लास नहीं हो रही है, मैं आपको दिखाती हूँ हल्के से। हर फ्लोर पे ऐसे ही सेम क्लासेस होंगी। गाइस मैंने आपको दिखाते दिखाते मेरा भी कॉफ़ी पीने का मन कर गया, तो मैंने भी अपने लिए कॉफ़ी ले ली, और कॉलेज की कॉफ़ी मुझे बहुत पसंद है, तो बहुत टाइम से मैंने पी भी नहीं थी, मैंने कहा चलो पी लेते हैं अभी आया है कॉलेज। तो
अभी बस हम लोग जाएंगे स्पेंसर डॉग, मैं आपको वहाँ पे लाइब्रेरी और क्लासरूम्स, अगर मुझे कोई खाली क्लासरूम मिला तो मैं आपको दिखा दूँगी, अगर कोई क्लास नहीं हो रही होगी तो अभी वहाँ चलते हैं। ये हमारी कॉलेज की बिल्डिंग, तो पहले हम लोग जाएंगे 6th फ्लोर। तो ये है हमारा लाइब्रेरी का कैफेटेरिया, काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे आके भी आप लोग पढ़ सकते हो, थोड़ा बहुत थोड़ा शोर होता है। तो हम लोग यहीं पे बैठते थे अपना असाइनमेंट के लिए। से व्यू बहुत अच्छा आता है लाइब्रेरी से, आपको दिखाते हैं। हमारी लाइब्रेरी, यहाँ पे स्टडी रूम्स भी होते हैं, आप उनको पहले से बुक कर सकते हो। और यहाँ पे मैं ज़्यादा बोल नहीं सकती हूँ इसलिए। ये प्रिंटिंग मशीन्स हैं, तो ये लाइब्रेरी 5th फ्लोर पे थी। एक और लाइब्रेरी है 4th फ्लोर पे भी है वो, तो अभी हम चलते हैं क्लासरूम वाले फ्लोर्स पे। लेट्स गो। कुछ कुछ मीटिंग रूम्स बने हुए हैं, तो आप इन्हें बुक करके, आप अगर आपको ग्रुप असाइनमेंट्स वगैरह करने हैं तो आप कर सकते हो। हर फ्लोर पे ऐसे ही क्लासरूम्स हैं, तो मैंने आपको जो भी कॉलेज का मेन बिल्डिंग था वो भी आपको दिखा दिया। और ये जो स्पेंसर डॉग नई बिल्डिंग बनी है, तो इसमें लाइब्रेरीज, क्लासरूम्स दोनों हैं, कैफेटेरिया भी है। तो काफ़ी अच्छी लाइब्रेरी बनी हुई है। अगर जैसे आपका 2 to 3 hours का ब्रेक है तो आप आके यहाँ पर पढ़ सकते हो। और काफ़ी रूम्स भी हैं, मीटिंग रूम्स भी हैं, आप उनको पहले से बुक कर लो। और आप अगर आपका ग्रुप असाइनमेंट्स है या कुछ है तो आप जाके अपने रूम में कर सकते हो। तो ये हो गया कॉलेज टूर। सो मैंने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं इस वीडियो में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।